9 मई को जिना हाउस और दीगर तनसीबात पर हमलों के केस में साबिक सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा जी न्यूज अहमद फराज हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद फराज, यूं लगता है कि इस वक्त लाहौर में छुपन छुपाई चल रही है, जो अहम रहनुमा है वो मिल ले रहे पुलिस को? बिल्कुल, काफी रहनुमा ऐसे हैं जो ये 9 मई के वाकयात में मुलव्वस थे और वो कारकुनों को इंस्टिगेट करते रहे, वो अभी तक जो है वो गिरफ्तार नहीं हो सके। खासतौर पर मियां असलम इकबाल जो हैं उनके बारे में तो पुलिस ने एक पोस्टर भी शाया किया जिसमें उनको लिखा है कि 9 मई को ये जो यहाँ पर वाकया पेश आया था कोर कमांडर हाउस में जलाओ घराव का, उसमें ये जो फौजी तनसीबात हमले का जो मंसूबा था ये 8 मई को जुमान पार्क में बनाया गया और मियां असलम इकबाल 16 बार मोबाइल फोन पर राब्ता के साथ सर फहरिस्त रहे और ये जियो फेंसिंग की रिपोर्ट है, लेकिन उसके बावजूद जो है मियां असलम इकबाल गिरफ्तार नहीं हो सके। और पुलिस का ये कहना है कि उनकी गिरफ्तारी के लिए इकबाल टाउन और दरोगा वाला समेत काफी मुकामात पर छापा मारा गया है। मियां असलम इकबाल के जो भाई हैं मियां अकरम, उनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस को अब मियां असलम के एक उनके फ्रंट मैन है उनकी तलाश है और उनके फ्रंट मैन की तलाश के लिए पुलिस का जो है वो ये कहना है कि वो इलाका गैर में रिपोर्ट है और वहां पर भी एक छापामार टीम रवाना कर दी गई है जो कोशिश की जा रही है कि जब तक ये अगर ये फ्रंट मैन गिरफ्तार हो जाए।